मैं हूँ रिद्धि। आज हम रिद्धि शो में से। ओके, तो आज ना मेरा रिजल्ट था, तो मेरे तो बड़े अच्छे नंबर आए। आई एम वेरी हैप्पी, मेरे आए 98% मार्क्स। ये आप भी अपने मार्क्स बताना कमेंट सेक्शन में। और अब मैं सेकंड से थर्ड में प्रमोट हुई हूँ, तो मुझे गिफ्ट में मिली है आर्ट बुक। तो मम्मा ने कहा है कि मुझे डेली वन ड्राइंग करनी है। अब मैं वो ड्राइंग आपके साथ भी शेयर करूंगी। सो अब ना हम कलर करते हैं लोटस में। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछू, डू यू नो द लोटस स्टेम इज ईटन एज अ वेजिटेबल? आपको पता है कि जो लोटस की स्टेम होती है वो खाते हैं एक वेजिटेबल के रूप में। लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। इट इज पिंक एंड व्हाइट इन कलर। सो लेट्स कलर इट। तो मेरे पास है ये वाला कलर जिसका नेम है मेजर पर्पल पिंक। आप भी अलग कलर ले लो। जिसके पास येलो बुक नहीं है वो ड्रॉ कर सकता है इसे, या फिर अपनी मम्मा या फिर दीदी से भी ड्रॉ करवा सकता है। एक बार ना मैं जिम कॉर्बेट जा रही थी, तब ना मुझे रास्ते में बहुत बड़ा कॉर्न मिला था। उसमें इतने सारे लोटस थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं आपको वो वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी। आपको पता है मुझे ना ड्राइंग बहुत पसंद है। सो अब हम करेंगे दूसरा लोटस, मैं आपको शो करती हूँ। अभी हमने किया है ये वाला लोटस, दिस वन लोटस।
अब हम करेंगे इस बट को, इस बट को हम करेंगे नेक्स्ट कलर से। सो इसे रख देते हैं हम यहाँ पे इसके स्पेस पर। सो अब मैंने लिया पिंक, ये नॉर्मल पिंक है, ना ज्यादा डार्क है ना ज्यादा लाइट। हमें हमेशा जो चीज हमने ली है उसको उसकी जगह पे ही रखना चाहिए, नहीं तो वो सारी मेसअप हो जाती है और फिर नेक्स्ट टाइम हम जब उसे यूज करते हैं तब हमें वो मिलती ही नहीं है। चलो ड्राइंग करते हैं वापस। हमें कलर को स्लोली स्लोली करना चाहिए, नहीं तो वो मेसअप हो जाता है। वो एक दूसरे में मिल जाता है सारा और होता ही नहीं है फिर कुछ भी। आपको पता है वो पॉन्ड में ना बहुत सारे लोटस थे, कोई पिंक था कोई वाइट था, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। अब हमारा पिंक तो हो गया, हमें बस छोटे छोटे गैप्स फिल करने। हाँ ये भी हो गया, अब हम कलर को उसकी प्लेस पे रख देंगे ओके? और फिर हम सो अब लेंगे हम ग्रीन कलर, वो भी टू, एक लाइट ग्रीन और एक डार्क ग्रीन ओके, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन। और हमारे घर में कमल ककड़ी बनती होगी हम सबके घरों में। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कमल ककड़ी की सब्जी पसंद है कि नहीं। चलो ड्राइंग करते हैं। आपको पता है मैं ना लास्ट में आपको एक मैजिक दिखाऊंगी ओके, वीडियो के लास्ट में। पहले
कलम ड्राइंग करते हैं तो क्लास में देखेंगे। इसमें हम करेंगे लाइट ग्रीन कलर। अभी हमने स्टेम में किया था डार्क ग्रीन कलर, तो अब हम लीफ में करेंगे लाइट ग्रीन कलर। अब हम सेकंड लीफ में करेंगे कलर। हमारे पास टू ही लीफ है। अब हमारा जो रहता है बस एक लास्ट कलर जो कि है ब्लू। ब्लू को ले लेते हैं अब हम। वाटर होते हैं नीचे, वो वाटर में जो होते हैं वो वाटर प्लांट है जो कि, तो अब वाटर में कलर करते हैं। फ्रेंड्स मैंने कहा था ना मैं आपको वीडियो क्लास में दिखाऊंगी मैजिक, तो अभी मैं दिखाने वाली हूँ क्योंकि अभी हमारी ड्राइंग हो रही है कंप्लीट। सो अब मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ कि हमें ये जो ऑयल पेस्टल के क्रियॉन्स होते हैं इनके जो सेट होता है, इस सेट में हमें मिलता है एक स्क्रैचर। स्क्रैचर से आप कुछ करते हैं क्रिएटिव, मैंने मैजिक बताया था तो वो यही है मैजिक। अब हमारे पॉट में जितने भी बबल्स हैं हम उन्हें कर देंगे स्क्रैच। अब हम कर देते हैं स्क्रैचर से स्क्रैच, क्योंकि स्क्रैचर से स्क्रैच करने पर
हमारा वो वाला कलर लाइट हो जाता है। चलो अब करते हैं स्क्रैच। छोटे बबल्स में हम छोटा स्क्रैच करेंगे। अब हमारा अब मैं आपको एक और मैजिक दिखाती हूँ। आज वापस अपने लोटस पर लोटस में मैं आपको वन मैजिक दिखाती हूँ। चलो करते हैं। सबसे पहले हम इसका ये करने वाला एरिया ले लेते हैं। बहुत अच्छा है। इससे हम ना ऐसे लाइट करेंगे जो हमारा लाइन पे कलर लगा है वो स्क्रैच हो जाएगा और वो रब हो जाएगा। तो हमारा हो गया फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। फोरग्राउंड होता है जो हमने इमेज में किया है और बैकग्राउंड कलर होता है जो हमने इमेज के पीछे किया है। ओके तो अब हम फोरग्राउंड कलर कर देते हैं सॉरी बैकग्राउंड कलर। अब हमें लेना है लाइट। अब हम बनाएंगे पीछे का बैकग्राउंड कलर ब्लू से क्योंकि वो एक स्काई है। हमारी ड्राइंग हो चुकी है कंप्लीट।
आई हो तो प्लीज खूब सारे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल भी ऑन कर देना, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी न्यू वीडियो आई है। Sorry, it's DJ.